हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ, तो चलिए देखते हैं। नवरात्रि स्टार्ट है तो नवरात्रि में हम फलाहार बनाते हैं, तो आज हम फलाहार की रेसिपी लाए हैं। देखिए कुट्टू के आटे की पूड़ी किस तरह बनाते हैं, वो भी इतनी सॉफ्ट इतनी टेस्टी। तो आज हम आपको बता रहे हैं कैसे हम बनाते हैं। ये देखिए कुट्टू के आटे के पैकेट है, ये आधा किलो का पैकेट है, हाफ हाफ एक एक पाव का। तो इसको देखिए हमने इस तरह से निकाल लिया अच्छे से छान के, और हाफ के जी हमारा ये आटा है कुट्टू का, तो हाफ के जी हमने ये पोटैटो भी लिया है, इसको अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें हम पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सेंधा नमक लिए हैं जो व्रत में हम खाते हैं, और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल सनफ्लावर ऑयल है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम देखिए पहले सबसे पहले इसमें 1 स्पून ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा, इसमें सेंधा नमक हल्का डालेंगे। यहाँ पे हम 1/2 स्पून सेंधा नमक डाल रहे हैं, बस हल्का सा नमक हो गया क्योंकि ये पूरी हम सब्जी के साथ ही इसको खाते हैं, तो इसको हल्का ही नमक डालेंगे। और इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, और इसका डो हम सिर्फ आलू से ही लगाएंगे। अगर आप आलू नहीं खाना चाहते तो आप कच्चा केला जो आता है उसको आप बॉयल करके आलू की जगह यूज कर सकते हैं, उसके साथ इस डो को बाइंड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह हम आज आलू में बना रहे हैं। देखिए इस तरह से 1/2 kg हमारा आटा है, और 1/2 kg हमने आलू को उबाल के उसको अच्छे से मैश कर लिया है। इसके साथ ही हम इसका डो लगाएंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप आलू कम यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके आलू के साथ ही इसको डो को हम बाइंड करेंगे। ये पूड़ी इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी टेस्टी होती है कि आप व्रत वाली सब्जी आलू टमाटर की बनाकर इसके साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे आप बाइंड करेंगे, ये डो फॉर्म में आ जाएगा। अगर हल्का फुल्का आपको ड्राई लगे तो थोड़ा सा आलू और डाल सकते हैं, आलू नहीं डालना चाहते तो हल्का फुल्का पानी का फुहारा हल्का सा डाल के इसको बाइंड करिए। तो ये देखिए आलू हमारा सफिशियंट है, क्योंकि 1/2 kg हमने इक्वल क्वान्टिटी में लिया है, तो इतनी इक्वल क्वान्टिटी में बहुत आराम से डो बन जाता है, क्योंकि हमें इसे एकदम सॉफ्ट सा नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट से हार्ड ही होना चाहिए इसका डो। देखिए इस तरह से इसको बाइंड कर ले रहे हैं, देखिए ऐसे बनने लगा, इस तरह से बनने लगा। इस तरह से करके हम पूरा डो बांध लेंगे। हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप इसको थोड़े में बना सकते हैं। अगर आप इसको एक पाव में बनाना चाहते हैं तो 1 पाव आटा लीजिए, 1 पाव आलू लीजिए, उसको इसको एक साथ बाइंड करिए। इस तरह से देखिए इसे बाइंड करते जा रहे हैं, देखिए ये पूरा बाइंड हो जाएगा बहुत ईजली। ये देखिए आटे को हमारा डो तैयार हो गया। इसमें हमको हल्का सा पानी का फुहारा यानी 1 स्पून से भी कम हमने पानी लिया, उसको हल्का सा छिड़क के ये पूरा डो तैयार कर लिया। देखिए ये बहुत ही स्टिकी होता है आटा, तो इस तरह से हाथ में स्टिक हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं, कोई स्पून लेके इस तरह से आप कर सकते हैं, और फिर हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से स्पून से हमने कर दिया, और हल्का सा हाथ में ऑयल लेके इसको चार तरफ से इस तरह से हल्का सा ऑयल ले लेंगे, इस तरह से करके इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे। देखिए इसको सरफेस को पूरा साफ कर लेंगे, ऐसे पूरा ये अच्छे से कलेक्ट हो गया, और इस तरह से ऑयल चारों तरफ से लगा देंगे। देखिए हमारा डो बन के बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए बहुत सॉफ्ट भी नहीं है और ना बहुत हार्ड है, मीडियम का ऐसे ही होना चाहिए। अब हम इसकी पूड़ियाँ आपको बना के दिखाते हैं। चलिए पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम डो को पहले ले लेंगे, इस तरह से हम देखिए इसमें हमने थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा दिया है। ये देखिए हमने इसके छोटे छोटे लोइयां बना ली हैं इक्वल शेप में, और इस तरह से देखिए इसका टिक्की बना के हम रख लेंगे, और हल्का हल्का सा ऑयल लगा के इसको पतला पतला बेल लेंगे, बहुत पतला नहीं मीडियम साइज का बेलेंगे। इस तरह से देखिए सारे चकले बना के रख ले रहे हैं। ये देखिए इस पर चौकी पेट में हल्का सा तेल भी लगा दिया है जिसे एकदम चिपके ना, क्योंकि ये कुट्टू का आटा चिपकता बहुत है, और इसमें हल्का सा देखिए ऊपर से ऑयल लगा दे रहे हैं, बेलने से पहले हल्का सा ऑयल इस पर लगा दें। और यहाँ पे देखिए इस चकले को भी ऐसे एक एक लोई लेके इस तरह से हम बेलन से इसको बेल लेंगे, ये बहुत आराम से बेल जाता है, और ये हाथ से भी आसानी से बन जाता है। देखिए इस तरह से
इसको बहुत पतला हमें नहीं बेलना है, तो इस तरह से बेलेंगे। इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा। अब तेल देखिए हमारा गर्म हो गया अच्छे से। अब इसको हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा डो डाल के कि तेल हमारा गर्म है कि नहीं। देखिए इस तरह से डालेंगे थोड़ा सा, देखिए अपने आप से ऊपर आ रहा है, यानी हमारा तेल गर्म हो गया। हम इस तरह से एक एक करके पूरी इसमें डालते जाएंगे। दूसरे भी बेल ले रहे हैं। देखिए सारी पूरियां किस तरह से ऊपर आ गई हैं। अब इसको इस तरह से हम टर्न कर लेंगे और दोनों तरफ से ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम बेल के बताए हैं। और एक हाथ है जो बनता है, देखिए इस तरह से हम हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से चकले को लेके और हाथ से ऐसे ही दोनों तरफ से दबा के, ये बहुत मोटा बहुत पतला बनता नहीं है, तो इस तरह से हम हाथ से ही उसको देखिए इस तरह से बना लिए गोल शेप में और इस तरह से हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको, क्योंकि आलू से मन गीला होता है, कुट्टू का आटा बहुत स्टिकी होता है। हमने आलू के साथ इसको बाइंड किया है। ये देखिए कितनी आसानी से हाथ से इस तरह से बन जाता है। इस तरह से कढ़ाई में एक एक करके हम डालते जाएंगे, पलट पलट के ब्राउन होने तक इसको हम सेक लेंगे। देखिए सब फूल फूल के ऊपर आते चला जा रहा है। इस तरह से हम पलट पलट के ब्राउन होने तक इसको छानेंगे। इस तरह से सारी पूड़ियां बना लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से हमने इसको ब्राउन कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और सारी पूड़ियाँ इसी तरह से हम छान के निकालेंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा होता है, आलू के साथ जो हमने बनाया है इस कॉम्बिनेशन कितना अच्छा ये पूड़ी बनता है। बहुत ही सॉफ्ट बनती है पूड़ी, और सब्जी के साथ, गैस वाली सब्जी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ बना के निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए हमने सारे पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली। देखिए यहाँ पे प्लेट में भी कुछ है, कुछ हमने इसको ट्रे में भी लगा दिया है। देखिए हमने आधा किलो आटा में किस तरह से पूड़ियाँ बना के तैयार किया और आलू की स्टफिंग से बनाया है, तो ये बहुत ही डिफरेंट हुई है। इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर जो हमने आलू के साथ बाइंड किया था कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। इतने थोड़ी कम कचौरी है, तो इस तरह से आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। व्रत में बहुत ही टेस्टी है, इसको खाने के बाद तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल का फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे जरूर दबाइए, उससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू।